Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, लेके आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। और हाँ गाइस, अब तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अबाउट पेज में हमारे व्हाट्सअप चैट का लिंक दिया गया है। फीमेल के लिए भी हम लोगों ने अलग से ग्रुप बनाया है, तो फीमेल भी मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकती हैं। वैसे व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9654223684। तो चलिए गाइस, अब बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो क्या गाइस, आप लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा फ़ोन एक घंटे में खुद ब खुद टाइम बोले या 15 मिनट में खुद ब खुद टाइम बोले? क्या आप भी ये चाहते हैं? तो गाइस, लेके आ गया हूँ एक शानदार एप्लीकेशन का नाम है स्पीकिंग क्लॉक। इसके मदद से आप अपने फ़ोन में इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन एक घंटे 15 मिनट ये इस तरीके से हमारा फ़ोन टाइम बोल के बताए, है ना। तो जो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, स्पीकिंग क्लॉक के बारे में, वो लोग वीडियो स्किप कर दे। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं किसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो वो आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो बाकी तो हमें स्पीकिंग क्लॉक में चल के ही पता लगेगा किस तरीके से इसकी सेटिंग है, किस तरीके से इसका क्या है, ठीक है। लेकिन सेटिंग में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि इसमें अच्छी बात कह लो चाहे कुछ भी कह लो, इसमें किसी भी तरीके की आपको परमिशन नहीं देनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी आपको अलाउ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ आपको अलाउ नहीं करना पड़ेगा, स्टोरेज का या कुछ भी चीज़ की आपको परमिशन नहीं देनी पड़ेगी, है ना। चलिए मैं इसको आपको ओपन कर लेता हूँ स्पीकिंग क्लॉक को। बाकी प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं प्ले स्पीकिंग क्लॉक में। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए गाइस। व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक मिनट हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका इंटरफेस है, ठीक है। ये देखिए स्पीकिंग क्लॉक कॉलम 4, ये एप्लीकेशन है स्पीकिंग क्लॉक। मैं जैसे इसको ओपन करूंगा ये परमिशन नहीं मांगेगा। चलिए ओपन कर लेता हूँ, अभी टाइम बताएगा। मैं जिसको ऐसी जैसे इसको ओपन करूंगा तो स्पीकिंग क्लॉक 11:41। तो गाइस इसमें चार बटन है, एक मिनट, हाँ इसमें चार बटन है। देखिए ये बटन, पहला बटन, बटन दूसरा बटन, बटन तीसरा, बटन चौथा। तो पहले बटन पे तो टाइम बताएगा, ये देखिए बटन, बटन 11:00 बटन। The time now is 11:42। राहुल आपका मैसेज आया है। पहले बटन पे इसने टाइम बोला, ये देखिए बटन। The time now is 11:42। तो दूसरा बटन जो है बटन, ये सेटिंग का है, ठीक है बटन। और ये बटन, ये दो बटन है, ये शायद इसमें कोई काम के नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, जहाँ तक मैंने इस एप्लीकेशन को यूज किया है। तो चलिए अब हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इसमें चार बटन ही है, ठीक है बटन। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें किसी भी तरीके आपको परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 11:42 चलिए ठीक है। पहले बटन तो हमने देख लिया कि पहला बटन आप प्रेस करेंगे तो एक टाइम बोलेगा, ठीक है बटन। और दूसरे बटन पे इसकी सेटिंग है, चलिए क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ सेटिंग इसकी आपको। नेविगेट अप बटन, चलिए सेटिंग्स, जनरल, जनरल ये तो खैर इसकी हेडिंग है ना। वॉइस लैंग्वेज बैक इंग्लिश, यहाँ से वॉइस लैंग्वेज आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूँ, वॉइस लैंग्वेज में दो है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है।
वॉइस शेड्यूल एवरी आवर। वॉइस शेड्यूल, तो इसमें भी मैं क्लिक करूंगा, वाइब्रेट, वाइब्रेट ऑन स्विच। ये देखिए वाइब्रेट ऑन स्विच, ये वाइब्रेट है। जैसे मान लो अपने पहले बटन पे हम लोगों ने क्लिक करके टाइम देखा, तो टाइम तो बता ही रहा था, साथ में वाइब्रेट भी हो रहा था। अगर आप वाइब्रेट नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ कर सकते हैं, अगर वाइब्रेट रखना चाहते तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस वॉल्यूम 100%। वॉइस वॉल्यूम, जैसे मान लो ये टाइम बता रहा है तो वहां से आप इसका अगर आप चाहते तो वॉल्यूम घटा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट 100% रहता है। रैंडम बैकग्राउंड ऑफ स्विच, ये जैसे मान लो बैकग्राउंड, ये तो अगर ऑफ है, अगर इसको आप ऑफ भी करेंगे तो चलेगा, अगर ऑन भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम टाइम देख रहे हैं तो बैकग्राउंड तो ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। रैंडम बैक ऑफ, तो फिर भी ऑप्शन इसमें पता नहीं क्यों दे रखा है, लेकिन अगर अगर इसको आप ऑन करेंगे तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। वैसे इसका कोई काम नहीं है, अगर ऑन भी करेंगे तब भी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, अगर ऑफ भी करेंगे तब भी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, ठीक है। क्वाइट आवर्स अनेबल ऑफ स्विच ऑफ, तो ये अभी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या है। Quiet hours 2200 to 6 o'clock. इसका कहने का मतलब ये है कि off switch. अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका जो फोन है वो रात को 10 बजे से लेकर के सुबेरे 6 बजे तक नहीं बोलेगा, जो कि इसमें अच्छी बात है, इसमें आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए Quiet hours 2200 to 6 o'clock. देखा ना 2200 for 6 o'clock. इसका कहने का मतलब ये है कि off switch. अगर आप इसको on कर देते हैं तो आपका जो है मोबाइल जो है वो रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक नहीं बोलेगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ऑन कर दें, नहीं तो यहाँ से आप ऑफ कर दें, ठीक है। Quiet hours 2200 to 6 o'clock. चलिए अबाउट, अबाउट है ये तो कर कुछ नहीं है। स्पीकिंग, अब तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। मेड विद सेंटर व्यू, चलिए अब कुछ खास नहीं है। स्पीकिंग अबाउट Quiet hour off enable quiet off run voice what on vibrate voice check voice language general चलिए voice language back English voice language back English, तो आप पहले इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। Select language back Vietnamese 1 of Hindi 2 of 3, तो ये देखिए Vietnamese 1 of 3 Vietnamese Hindi 2 checked English 3 of 3, तो ये English पे checked है तो हम इसको हिंदी करेंगे। Hindi 2 checked, ये checked हो गया हिंदी। अब हमें एक ऑप्शन मिलेगा cancel, दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है cancel, cancel करेंगे तो cancel हो जाएगा, और ओके कर देते हैं यहाँ से। settings, voice language back हिंदी, तो हमने हिंदी कर दिया है। अब हम इसको टाइम देखते हैं, ठीक है, ये हिंदी में बोलता है कि नहीं। back, चलिए speaking clock button button पहले बटन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए हमने हिंदी लैंग्वेज कर दी, अभी टाइम भी हिंदी में ही बोलेगा। देखिए समय अब है 11:46 तो देखिए बटन, अब फिर से सेटिंग में चलेंगे, है ना। सेटिंग्स नेविगेट अप, कुछ ऑप्शन इसके रह गए जो आपको मुझे दिखाने हैं। सेटिंग्स जनरल, जनरल वॉइस लैंग्वेज बैक, वॉइस लैंग्वेज, वॉइस शेड्यूल एवरी आवर, वॉइस शेड्यूल इसमें भी दिखाता हूं आपको, ठीक है। वॉइस शेड्यूल checked every hour 1 of 14, अभी घंटे का चेक डे, अभी अगर आप आपका टाइम जो है वो हर घंटे बोलेगा, ठीक है। every 55 minutes 2 of 14, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइम 55 मिनट यानी 55 मिनट बाद बोलेगा, ठीक है। every 50 minutes 3 of 14, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइम जो है 50 मिनट में बोलेगा। every 45 minutes 4 of 14, इस पे अगर आप चेक डे करेंगे तो 45 मिनट में बोलेगा। Every 40 minutes, 5 of 14. इस पे अगर checked करेंगे तो 40 मतलब क्लिक करेंगे तो 40 मिनट बोलेगा। Every 35 minutes, 35, 6 of 14. ये 30, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे 35 मिनट पे बोलेगा। Every 30 minutes, 7 of 14. इस पे क्लिक करेंगे तो आधे घंटे यानी 30 मिनट में बोलेगा। Every 25 minutes, 8 of 14. इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 25 मिनट यानी 25 मिनट पे बोलेगा। Every 20 minutes, 9 of 14. इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो 20 मिनट पे बोलेगा, ठीक है। Every 15 minutes, 10 of 14. इस पे आप क्लिक करेंगे तो 15 मिनट में बोलेगा। Every 10 minutes, 11 of 14. हाँ, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 10 मिनट में बोलेगा, इन 10 मिनट में, ठीक है। Every 5 minutes, 12 of 14. इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 5 मिनट में बोलेगा। Every 1 minute, 13 of 14. इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 1 मिनट में बोलेगा, ठीक है। Never, 14 of 14. ये तो खैर नेवर है ना। Every 1 minute, 13 of 14. चलिए तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि क्या भाई ये वाकई में ये
एप्लीकेशन जो है वो बोलती भी है, मतलब इसमें टाइम मतलब बोलता भी है कि नहीं। अभी हमने पहले बटन पे क्लिक किया तो टाइम बोला, चलो मैं एक मिनट का करके देखता हूँ कि एक मिनट बाद टाइम बोलता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से मैं 1 मिनट में चेक कर देता हूँ, तो हमें कैंसिल दो ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये 1 मिनट है, देखते हैं 1 मिनट का वेट करके कि टाइम जो है बोलता है कि नहीं, है ना। तो बाकी मैंने इसमें ऑप्शंस तो आपको दिखाई दिए हैं, है ना। उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का एक दे रखा है, उसको अगर आपको ऑन करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऑफ ही रहने दें, उसका कोई काम नहीं है। ये देखिए, समय अब है 11:49। ये देखिए गाइस, अभी इसने 1 मिनट बाद टाइम बोला और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलिए वॉइस शेड्यूल, तो इसको मैं क्लिक करके वही 1 घंटे में कर देता हूँ। एवरी 50 मिनट्स, 1 मिनट एवरी आवर 1 of 14 इन तो एवरी आवर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एवरी 10, एवरी 5, एवरी 1 मिनट, नेवर, कैंसिल, टॉक। चलिए ओके कर देता हूँ। वॉइस शेड्यूल एवरी आवर, तो मैंने इसमें 1 घंटे का कर दिया, अभी हमारा 1 घंटे बाद बोलेगा। बाकी मैंने दिखा दिया कितने मिनट पर आप इसको सेट कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी इसमें बाय डिफॉल्ट एवरी आवर यानी 1 घंटे का ही रहता है, ठीक है। वाइब्रेट तो ये भी मैंने आपको दिखाई दिया है। वॉइस वॉल्यूम, चलिए यहाँ से आप वॉल्यूम भी घटा बढ़ा सकते हैं, क्लिक करेंगे। रैंडम बैकग्राउंड ऑफ, स्विच तो बैकग्राउंड है। Quiet hours, enable, off, switch. Quiet hours, 2200 to 6 o'clock. तो ये तो मैंने आपको बताया दिया है कि रात को 10 बजे से लेकर के अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो सुबह 6 बजे तक नहीं बोलेगा, ठीक है। Enable, quiet hour, off, random background, voice volume, random background, off, तो random back, voice volume, 100%. Voice volume, यहाँ से आप volume घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन देखेंगे। तो इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं बुलवाना है तो, है ना। अबाउट सर्वाधिकार कॉपीराइट सेटिंग में तो हमने इसके लगभग पूरे ऑप्शन देख ही लिए, जनरल सेटिंग नेविगेट अप बटन। चलिए सेटिंग पर तो मैंने देख लिया, ठीक है। स्पीकिंग क्लॉक बटन, बटन तो 11 घंटे, ये देखिए बटन, पहला बटन जो उसका टाइम का है, ये देखिए समय अब है 11:51। उसे 1 घंटे बाद बोलेगा, अगर 12 बज जाएंगे तो ये बोलेगा बटन। ये पहला, दूसरा बटन जो है वो सेटिंग का है, और ये बटन, 1 मिनट बटन, बटन। तो जिसके 2 बटन है वो तो खैर मुझे काम के नहीं लग रहे हैं, ये 2 काम के हैं। तीसरा भी देखते हैं, यहाँ कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। चौथा देखते हैं, सेंटर व्यू कंटेनर, हाँ तो ये भी बटन, ये देखिए ये भी कुछ काम के ऑप्शन नहीं है। बटन, जो 2 बटन है हमारे ये काम के हैं, बटन, ठीक है। बटन, इससे आप टाइम देख सकते हो, बटन, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि अपना मेरा फोन 15 मिनट में बोले या इतने मिनट में बोले, आप वहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका ट्यूटोरियल तो लगभग समाप्त हो गया है, तो हम अपने होम पेज पर आते हैं और इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। बैक बटन, आईओएस लॉन्चर, स्पीकिंग क्लॉक, बैक, होम स्क्रीन 1 of 3। तो गाइस चलिए हम मुझे वाणी रिपीट करेंगे। स्पीकिंग क्लॉक ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक बाकी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। पहली बात तो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, इसको अलाउ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप क्लिक करेंगे तो इसको जैसे इंस्टॉल करने के बाद इसमें 4 बटन आएंगे, जिसमें कि पहले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये टाइम बोलेगा, ठीक है। दूसरे बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग आएगी, और तीसरा चौथा जो इसका बटन है वो तो खैर बोल नहीं रहा है, है ना, वो तो खैर लगभग काम का है नहीं। तो जो बाकी, हाँ अभी जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहता है वो 1 घंटे यानी एवरी आवर का सेट रहता है,
यानी जब भी एक घंटा होगा तो आपको जो मोबाइल जो है वो खुद टाइम बोल के बताएगा, ठीक है। तो जो दूसरा बटन है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज बदल सकते हो। लैंग्वेज में दो हैं, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, कैंसिल ओके, स्लाइड सेलेक्ट करते हैं ओके कर देंगे तो जो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप वहीं से इसका वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन 15 मिनट या आधे घंटे या 25 मिनट कितने भी मिनट में आप इसको बुलवा सकते हो, तो वहीं पर वॉइस शेड्यूल ये ऐसे तरीके से ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, इसको वहाँ पर आप सबको ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप कितने मिनट में या कितने कितने मिनट में आप टाइम बुलवाना चाहते हो इससे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब मैंने करके आपको दिखाया, ठीक है। वहीं से आप इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। वहीं से आप जो है वो एक चीज़ तो इसमें एक ऑप्शन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये नहीं बोलेगा। तो आप इसको, अगर ये ऑप्शन आपको भी ठीक लग रहा है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो और आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप इसको उसको रखना है तो उसको ऑन कर दें, अगर आपको नहीं रखना है तो आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन है रैंडम बैकग्राउंड इस तरीके से है, तो हालांकि वो तो खैर मुझे तो नहीं लगता कुछ काम का, क्योंकि बैकग्राउंड को अगर ऑफ करेंगे तब भी वो बजेगा टाइम देखते समय, अगर आप नहीं ऑफ करेंगे तब भी आप कोई वो बजेगा, तो आप उसको ऑन करना या ऑफ करना एक ही बराबर है, ठीक है। और हाँ, एक ऑप्शन सेटिंग में आपको और मिलेगा वाइब्रेट का, इसे टाइम हम पहले बटन पर क्लिक करें तो ये जो है वाइब्रेट के साथ टाइम बोल रहा है, ठीक है। और एक मिनट बाद जैसे आपका फ़ोन बजेगा तो वो वाइब्रेट भी होगा। अगर आप चाहते हैं वाइब्रेट नहीं हो हमारा फ़ोन तो उसको आप वहाँ से ऑफ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाइब्रेट हो तब तो आप ऑन ही रहने दें, ठीक है। चलिए गाइस, कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं गाइस, तो क्योंकि इस चैनल पर हमें आप लोगों को हर तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी, सॉन्ग, इंटरव्यू, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, हर तरीके की हमारे चैनल पर वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो के आप मज़े ले रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो देखें, जब भी हमें कोई स्टोरी हम अपलोड करेंगे तो आप लोग देखिएगा, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। 15 लाइक का आज भी टारगेट है, पूरा जरूर कर देना गाइस। यार आप लोग लाइक्स, 15 लाइक का टारगेट आपसे पूरा नहीं हो पा रहा यार, क्या बात है ना, 200 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए तो प्लीज़ यार 15 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा जरूर कर दें ताकि मैं भी अपने लाइक्स का जो है वो आगे टारगेट बढ़ाऊँ, है ना, 15 लाइक से अधिक टारगेट करूँ, है ना। तो अभी 15 लाइक का फिलहाल टारगेट है तो पूरा जरूर करें। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करें ही, और साथ में इस वीडियो को लेकर के आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा, है ना। तो आप भी चाहते हैं इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना, इन्फॉर्मेशन से रूबरू होना, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, है ना। मेल फीमेल के ग्रुप अलग है, तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोगों को हर तरह की जानकारी मिलेंगी। चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।